साइड हो जाए सामने से गली से। हाँ हाँ आने दीजिए ना। अरे आगे से हाथ जाइए भाई। आगे से नहीं, आगे समझिए ना। चलिए 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 चलिए। हाँ सर थोड़ा सा चलिए चलिए। कौन सा घर कौन सा ये वाला इसके बगल वाला। अच्छा धीरे धीरे इधर एक लगा रहे चलिए 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 आगे से हेलमेट ना लगाइए। बगल आइए बगल आइए। भैया पाँच पाँच आठ किसान निकाल दिया आठ दोनों आठ निकाल के बालू डाल दिया। बेटा इधर आई तो बैठी बेटा बेटा आप लोग एक बैंक आप लोग जाने दीजिए इसको बिक्री जाएगा ना। अरे ये रुको ना यार इसको लाने दीजिए ना बिक्री मीडिया वाले 70,000 पांच बंदे ने उसको उठा के लेके गया और पांच दरिंदों ने दुष्ट कर्म उसके साथ किया। आके निकाल के बालू डाल दिया दोनों आंखों में और पूरा ढक दिया था मेरा बेटी को। आठ साल की बच्ची थी 14 साल बच्ची थी 8 साल की। छोटा लड़का यार पंखा चल रहा भैया खाली कराइए।
अरे अंदर लग अंदर निकल भी नहीं कर रहा था कहाँ से किसको क्या हो गया मैंने हो गया रिकॉर्डिंग पूरा नहीं करी है एक मिनट हो गया आधा मिनट हो गया सबको लेने दीजिए ना जो बाहर से है सबको आने दीजिए भैया भी बिल आ गई है निकल पाएंगे दूसरों का मौका नहीं है आइए बाहर आइए जो लोग जगह नहीं है रूम तनी अरे भूषण खींचो एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है उतना भीड़ वहाँ कहाँ रहेगा नहीं नहीं बात बाहर से कदाल मत वाला अंदर बात हो रही है बोला कि लाल गाड़ी में दीदी को बैठा के चले ले गया अच्छा भी हल्ला लगी जैसे हम लोगों को भी भेंट करने दी आप अगर आप अगर से आप अगर से नेता जी सब लोग प्लीज शांत हो जाएं।
सोसाइटी जी, ये हिम्मत आती कहाँ से? समाज जी, आपको क्या लगता है कि मैं बहादुर हूँ? मैं आपको बहादुर नहीं मानता। ये दो दिन में आप लोग अपनों को दे देंगे था, खोलते हुए पानी के तलब खत्म हो जाएंगे। मैं जानता हूँ आप लोगों के बारे में। इस कंट्री के 140 करोड़ लोगों को मैं जानता हूँ। कमजोर कायर इंसान है इस कंट्री। पैसे पर टिकने वाला समाज बहादुर कैसे हो सकता है? दारू पर बिकने वाला समाज बहादुर कैसे हो सकता है? गलत लोगों को प्रोटेक्ट कौन करती है? सोसाइटी। जाति के आधार पर अपराधियों को प्रोटेक्ट कौन करती है? सोसाइटी। धर्म और मजहब के आधार पर माफियाओं को प्रोटेक्ट कौन करती है? सोसाइटी। ये जितने नेता माफिया हैं वर्ल्ड के, इंडिया के बलात्कारी हैं, इनको वोट कौन देता है? सोसाइटी। जस्टिस फॉर क्या हो जाएगा? इसके बाद कोई बलात्कार नहीं होगा? ये लास्ट बलात्कार है क्या इस कंट्री में? निर्भया के बाद 66% बलात्कार दिल्ली में बढ़ गए। सरकार बदल गई, टोपी बदल गई, बलात्कार की घटना बढ़ती गई। हम डेली आपके ऐसे बलात्कारों को लगभग अभी आधा दर्जन बलात्कार देख के आ रहे हैं। ये मेरा चौथा बलात्कार है आज 5 बजे सुबह के बाद। मैं हर दिन देखता हूं, सोसाइटी और समाज पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। सोसाइटी पहले पूछती है कि किस जात की बेटी थी और किस जात के लड़के थे। जिस जात का लड़का होता है वह आपके भीड़ का हिस्सा नहीं के बराबर बनता। कुछ लोग होते हैं बिहार में कोई काम नहीं, बेरोजगार हैं, चलो ये भी कर ले। बुराई को मिटाने की औकात है क्या इस कंट्री में? एक अच्छे लोग पैदा नहीं कर सकी ये कंट्री 40 सालों के अंदर। एक अच्छे लोग 3 महीने के अंदर, मैं आपको वचन देके जाता हूँ, दुनिया की कोई ताकत इसके केस को फांसी से नहीं रोकेगी। 4th महीना नहीं होगा ये पप्पू यादव। जो आता है उसका जिंदाबाद आप लोग करते हैं, सारे चोरों का जिंदाबाद आप लोग करते हैं। सबसे बड़ा बिल्कुल जो आया उसी का जिंदाबाद, अब माफिया आएगा उसी का जिंदाबाद। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और पैसे वाले माफियाओं को प्रोटेक्ट करती है, अपने घर में कुर्सी देती है। हम देखना पसंद नहीं करते हैं एक मिनट भी। एक मिनट हमारा बस चले तो शूट एंड साइट कर देंगे। गरीब आदमी को आवाज देने का अधिकार का हक नहीं है आम आदमी को? आपका पूरा हाथ हमें लूटने का कुकर्म करने का राइट है, हमें कानून प्रोटेक्ट करती है। सदन के भीतर विधायकों को लात जूते पीटे गए, 75 MLA का विपक्ष, और उसके बाद सदन का नेता चुपचाप। दुनिया में पहली घटना होगी जहां संविधान और लोकतंत्र की सबसे बड़ी बंदीर, जहां सिपाही जाके झोटा पकड़ के विधायकों को नंगा करके पीटे। आप उससे उम्मीद करते हैं? स्पीकर कहता है दरोगा नहीं सुना,
आप उससे उम्मीद करते, डीएसपी ने गाली दे दी आप उससे उम्मीद करते। एमएलए एमपी का कहना है मेरा कोई सुनता ही नहीं, कोई मंत्री सुनता ही नहीं है, और पब्लिक हमसे पैसा मांगती है इसलिए हम लूटते हैं, और तीन बहना 10 किलो चावल और घी खिला के वोट लेते हैं। आप लोग तो हैं, वोट तो देते हैं। 2 करोड़ का स्कूल पर 50 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट, 1 ठो सुई 300 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट, आप कैसे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करिए? पत्रकार जी 34 करोड़ रुपया कोरोना में हम पैदल चल चल बांट रहे थे, पूरा देश पॉर्न देख रहा था, बिहार सबसे ज्यादा पॉर्न देखता है, 14 साल 12 साल 15 साल 16 साल 22 साल 32 साल के नीचे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाला कंट्री भारत, और भारत में बिहार और यूपी सबसे नंबर वन। पूरे के पूरे कोरोना के समय हम लाश जला रहे थे, और 19 साल 18 साल 32 साल का लड़का दिन में 3 बार पॉर्न देख रहा था, तो उसके बाद कर क्या रहा था? महात्मा गांधी थे क्या ये? सुभाष चंद्र बोस? आप कह रहे हैं जस्टिस कैसे, किसका? एक मानसी है, हर घर में मानसी है। आपको क्या लग रहा है सिर्फ माँ अपने बच्चों को बचा सकती है? माँ की नजर गई तो टीचर से आप नहीं बचेंगे, माँ की नजर गई तो मामा से आप नहीं बचेंगे, माँ की नजर गई तो भांजा से आप नहीं बचेंगे, सिर्फ माँ बचा सकती है अपने बच्चों को, बाप भी नहीं, क्योंकि माँ की आंखें पहचान जाती है कि कौन नरभक्षी है। माँ हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, सिर्फ माँ, भाई भी नहीं, सिर्फ माँ। और माँ कैद है, बलात्कार कोई इशू इस कंट्री में नहीं है, बलात्कार इस कंट्री में मुद्दे नहीं है, बलात्कार इस कंट्री में वोट का आधार नहीं है, बलात्कार इस कंट्री में समाज का मापदंड नहीं है, ये आप समझिए। ये हिम्मत इन लोगों के भीतर आता कहां से? पप्पू यादव को कानून का, लोकतंत्र का, संविधान का, और ये जनता जो भगवान है आपका डर नहीं है। हम आपको जानते हैं, हम आपसे नहीं डरते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एमएलसी का चुनाव लड़ना है, 1 लाख में मुखिया जी का वोट लेना है, तो हम आपको लूटेंगे। हमें पता है कि हम जब तक 1,000-5,000 बूथ पर पैसा नहीं देंगे हमें वोट नहीं मिलेगी। मानसी को कौन बचाएगा? ये 5 लड़के को हिम्मत आई कहां से? डर नहीं है, इकबाल नहीं है कानून का, उसको लगता है कि कुछ नहीं है। जब से कानून बनी फांसी की, तब से लगभग बच्चियों का बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है। पहले तो बच भी जाती थी बच्ची, जब से कानून बनी तब से बच्चियों को बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई। अब बलात्कारियों को लगता है कि प्रूफ के लिए नहीं रहने दे, कल गवाह कौन बनेगा उसका? उनके पास से पकड़ा है क्या? लगातार मैं इस घटना को वाच करता, हम सीएम से के यहां हमने फोन करके इस बात को कही, हम पत्रकार जी लोगों से आग्रह करेंगे। हमको आश्चर्य होता है, बलात्कार भी मिडिल क्लास गरीब और वंचित, लगभग 100 बलात्कार हमने देखे तो 95 बलात्कार या तो दलित है या तो गरीब है या तो नुनिया है, चंद्रवंशी है, मला है, कुमार है, केबट है,
मिडिल क्लास से नीचे या तो गरीब है या तो बहुत कमजोर फैमिली का है। हमारे जैसे फैमिली को बलात्कार भी पूछ के आता है, तय करता है कि किसका बलात्कार करना है। इसका मतलब है जो बलात्कार करता है वो सेंसेबल बलात्कार कर रहा है कि हमको किसका घर टच करना है किसका घर नहीं टच करना। गांव घर में कहावत थी, कमजोर की बीवी सबके भौजाए, मजबूत की बीवी सबके माए। यदि पप्पू यादव की बीवी हो तो गोर लागे छियका की, यदि पप्पू पासवान और पप्पू नुनिया और पप्पू मलाह की बीवी हो तो गोर लागे छे भौजी। यदि किसी गरीब की बीवी हो, परचून की दुकान चलाता हो, अंडा की दुकान चलाता हो, सब्जी करता हो, टेम्पू चलाता हो, 200-300 रुपया दिन वाला, 400 रुपया दिन वाला परिवार हो तो भौजी हो गया, और यदि कोई लखपति करोड़पति है तो माए हो गया। समाज तो अपने आईने से देखती है। और होली की तो विचित्र विभीषिका है। मैंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से हमारी बातचीत हो गई, मैंने सीएम को कल ही एसपीडी ट्रायल के लिए चिट्ठी लिखा, और मेरी मान्यता है कि बलात्कार जैसे केस में चार्जशीट के बाद 15 दिनों के अंदर फांसी होनी चाहिए, 16वां दिन नहीं लगना चाहिए। इस बिहार में लगभग बलात्कार के केस में देखे गए हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिए जाते हैं। पैसे वाले रसूखदार लोग पैसे देकर के रिपोर्ट को बदलता है। एक दूसरी चीज, थाना पैसे लेकर के चार्जशीट करने में देर करता है। तीसरी चीज, समाज 10 दिनों के बाद अपने अपने कामों में लग जाता है और फिर कोई नई घटना सोसाइटी में घट जाती है, फिर समाज उधर चला जाता है, दूसरी पहली घटना गायब हो जाती है। हर 5-10 दिनों के बाद कोई नई घटना घटती है, या तो किसी का मर्डर, या तो किसी की जमीन हड़प लिया, या तो किसी का घर हड़प लिया। अब है क्या बिहार में, हड़पना ही तो है। और मुट्ठी भर ताकतवर लोग, और उससे आप डरते हैं, आपसे वो नहीं डरता है। और ये डर क्यों पैदा हुआ पांडे जी जानते हैं कि अच्छे लोग बोलना बंद कर दिए, अच्छे लोग लड़ना बंद कर दिए, अच्छे लोगों को मरने की हिम्मत खत्म हो गई। आप लोग डेली जीने की तैयारी करते हैं और हम डेली सुबह 5 बजे मरने की तैयारी करते हैं। लगता है हो सकता है आज 1800 किलोमीटर लौट के नेता माफिया और पदाधिकारियों का जो नेक्सस है कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक इस तीनों माफियाओं को डर पैदा करके रखे। हाथ में कुछ हो ना हो, मैं इस पूरे परिवार की मदद भी करूंगा। आज से मेरा परम सिद्ध अधिकार है ये, जब तक इस बच्ची के बलात्कारियों को फांसी नहीं होगी, हर दिन पप्पू यादव इस केस की मॉनिटरिंग करेगा। जी। इसके पापा यहाँ नहीं है, यहाँ बेंगलोर में काम करते हैं। जिस तरह की मदद ये हमसे चाहेंगे उससे ज्यादा मदद हम करेंगे। अच्छे लोगों का काम होता है बुराइयों को मिटा देना और अच्छे लोगों के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाना। अब वो नहीं है, बुराइयों को मिटाने की हिम्मत इस कंट्री में नहीं है। कुछ भले लोग हैं
जो अपने बच्ची और अपनी पत्नी अपने बच्चों को सेव करके किसी दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देके चुपचाप जीना चाहते, ये जो भले लोग हैं यही सोसाइटी के लिए खतरा बने, क्योंकि बुराई जीतता नहीं है, अच्छाई गौण हो जाती। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, या मेरी बेटी है, इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, आप जितनी आवाज देना हो आप देते रहें, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, कम से कम आप का ये मोहल्ला ये समाज कुछ पल जागरूक तो है। घटना तो अनंत और अनेक है, जिस घटना को मीडिया ट्रायल मिल जाता है वो घटना बिक जाती है, और जिस घटना को मीडिया ट्रायल नहीं मिलता है वो घटना छुप जाती है और समाज भी उसको दबा देती है, चुप हो जा, पैसा ले ला, कंप्रोमाइज कर ला, की करबो, पप्पू यादव से लेके कतए जेबे, 10 लाख रुपया दे छे जिंदगी जी लिया, ये बच्चा बचा लिया ओकरा से काम करी, कथी ल लड़बो, के साथ दल को दिग्भ्रमित करके बलात्कारियों को कल के दिन इसी समाज के मजबूत लोग अपने मजबूत लोगों को प्रोटेक्ट कर दे, भले से माफ कर दो, गलती भए गेले होनी के रोके रहे, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सोसाइटी इन गंदे लोगों को जिंदगी देती है। इसीलिए मैं पत्रकार जी इस केस को लेकर के हम काफी गंभीर हैं, और मैं मुख्यमंत्री तक से इस केस के मैं टच में हूं। बच्ची का बलात्कार समझिएगा पप्पू यादव के बेटी का बलात्कार, ये कोई और सोचिएगा, कभी आंख बंद करके वो बच्ची चिल्लाती कैसे होगी, और यह भी सोचिएगा कि आपका लड़का कर क्या रहा है, आपके बच्चे एसमैक्स खा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, कोरेक्स पी रहा है, कभी सोचिएगा, 95-99% यूथ के हाथ में एसमैक्स जा चुका है, कोरेक्स जा चुका है, ड्रग्स जा चुका है, दुनिया में सबसे ज्यादा स्मैक कोरेक्स और ड्रग्स इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, नेपाल, बंगाल, झारखंड, कभी ये भी सोचिएगा कि आपके बच्चे के हाथ में क्या क्या जा चुका है, आपके बच्चे को रोजगार नहीं है वो फ्री में मोबाइल में क्या पढ़ रहा है या कुछ और देख रहा है, क्या पड़ोसी आपके बच्चे से प्रभावित नहीं हो रहा है, क्या पड़ोसी की बेटी पड़ोसी की बहन, क्या आपकी बच्चे की आंखें क्या सही है, सर हम सबको मिलकर यह जिम्मेदारी लेनी होगी, और पड़ोसी की बेटी को बेटी समझना होगा, गरीब की बेटी को बेटी समझना होगा, आम आदमी की बच्ची को बच्ची समझना होगा, हम लोग नहीं समझते हैं, मैंने हर दिन ऐसा महसूस किया है, इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। सर सब कुछ भूल जाता है, परसों हम सिवान में थे, 16 साल की एक माझी की बेटी को छेड़खानी कर रहा था, नहीं छेड़खानी करने दिया, 7 दबंगों ने मिलके मार दिया लाते लात से। कल हम नालंदा में थे, नीतीश जी के गांव में एक गांव था बहुत बड़ा राउत गांव है, गरीब है, जिसको धानु कहते हैं, हर दिन दबंग लोग जाते थे और उसके हस्बैंड को कहता था आज तुम हटो, आज हस्बैंड हम है, फिर 3 दिन के बाद 10 दिन के बाद आज घर में तुम मत सोना, आज हम है तुम्हारे घर का हस्बैंड। 1952 से उस गांव में इन घटना को लेके मारते रहा, होली के दिन 7 दबंगों ने एक परिवार में जाकर के सबको हटा के
उसकी पत्नी के साथ सो गया। विरोध करने के बाद पिटाई हुई और सुबह में दबंगों ने क्रिमिनल ला करके तीन महिलाओं को गोली मार दी। नीतीश जी मुख दर्शक बन के चुपचाप बैठेगा। ठीक उसी बगल में हिस्सा में एक माझी परिवार की डोली आ रही थी। एक गरीब लड़का दलित था राम, उसने विरोध किया इस बच्ची को छोड़ दो, तेजाब छीट के होली के दिन जिंदा जला। और विरोध करने पर पुलिस प्रोटेक्ट की उसका, सबसे बड़े माफियाओं का। और जब ईटा पत्थर चला पुलिस की गाड़ी को चोट लग गई। रात में वीडियो देखा के जे पप्पू यादव का, रात में इंटायर पुलिस आके लड़की रो रो के पप्पू यादव को कल कही आया और मेरे सीने पर हाथ रख के रंडी क्या क्या गाली नहीं दी बच्ची अपने मुंह से आका, सरकान का नथनी बाली सब छीन लिया, 5 साल बच्चों पर, 12 बच्चों पर, 5 साल पर केस किया, 2 साल बच्चों को पटक दिया, सारे पासवान राम चंद्रवंशी नुनिया 4 फैमिली था वहां पर, 200-250 घर सबको तोड़ करके, मोटरसाइकिल नहीं ले जा सका तोड़ दिया, जेबर और पैसा लेके सब पुलिस चली गई। कल 3 बजे हम पटना पहुंचे, बगल में एक मुखिया को इसीलिए गोली मार दिया कि वो बालू का माफिया का विरोध कर रहे, बम से उड़ा दिए। सरकार मस्त है, यहाँ का डीएम अपने को आका समझता है। 50 शराब से लोग मर गए कहता है नहीं मरा, क्योंकि वो आर सीपी सिंह का दामाद है। हम किसी को नहीं बकसते, भगवान का भी दामाद होगा, पप्पू यादव से लड़ना होगा, या तो हम मरेंगे या तो तुमको मारेंगे। 50 लोग शराब से मरे, उसके बाद हार्ट अटैक की बात आती है। 5 पत्रकार को जबरदस्ती केस करके ये जेल भेज दिया और कोई एमपी एमएलए बोला तक नहीं, और एमएलए कहता है कि नीतीश ने हिजरा बना दिया। पत्रकार जी हिजरा नहीं बनाया, ये लोग हिजरा हैं, ये लोग दलाली करते हैं, ये लोग दोगला है दोगला। इस बिहार और देश के एमएलए एमपी का मतलब है दलाल, पदाधिकारियों की दलाली, बालू माफिया की दलाली, जमीन माफिया की दलाली, शराब माफिया की दलाली। एमएलए एमपी का मतलब है सिर्फ दोगलाई करना। इंस्पेक्टर राज के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं होती है किसी को। स्पीकर कहता है कि मुझे डीएसपी बेइज्जत कर दिया और वो डीएसपी कहता है कि मुझको कौन हटा। तो जब डीएसपी को डर नहीं है तो डीएम को कहां से डर होगा। और ये डीएम और यहां जो बैठा है एसपी डीएम दोनों का काम यही करता है। बहुत दिन से यहां सर बांका जिला में, कम से कम लगभग 100 करोड़ कमा चुका है, आप लोगों को नहीं पता है। इसीलिए यहां से 10 बार फोन किया गया, उठाए तक नहीं सर। अच्छा काम किए क्यों नहीं उठाए, उठा लेते तो एक तरफ और बच्ची मरी ही थी, दूसरे तरफ आपको अपमानित होना पड़ता, भले नहीं उठाया। सर सर आखिरी उम्मीद आप ही हैं सर, बेफिक्र हैं हम आपके परिवार हैं। जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से पप्पू यादव का रास्ता खुलता है, आप बेफिक्र हैं। मेरा नंबर है 999-000-2432, 3-9-3-0-2432। आंख बंद के व्हाट्सएप से जुड़िए, जहां घटना घटे मुझको मैसेज करिए। यदि 24 घंटे के अंदर न्याय नहीं मिला तो हम दोगला के पैदाइश होंगे उसी दिन अपने आप को। न्याय का नाम है पप्पू यादव। 3503
वीडियो में एक बार और बता दिया, इसीलिए 309-300-309-300 24-32। हमने अपने जिला परिषद रफीक साहब से हमने कहा मुझे जाना है वहां, मैं परसों ही आता यदि बड़ी घटना बेतिया में ना घटी होती तो। मारते मारते एक लड़के को पुलिस ने मार दिया जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी, सिर्फ वो डीजे बजा रहा था होली के दिन, मारते मारते मार दिया और कह दिया मधुमक्खी काट लिया। हाँ, यही हुआ था टीवी में। 10 साल से मधुमक्खी लगा हुआ है, किसी को नहीं काटा। उसके बगल में 10 लोग खड़ा था, किसी को नहीं काटा। मधुमक्खी ने कहा ये कौन है अनुरोध, तुम्ही को काटेंगे। और पहली बार हम सुने मधुमक्खी काटने से लोग मरता भी है। एक ठो मधुमक्खी काटा मर गया, वो भी 10 मिनट में। जहरीली शराब काटने से कम 6 घंटा भी हम सस्टेन करते हैं, मेडिकल साइंस कहता है। मर गया। एमएलए एमपी को ढुकने नहीं दिया गांव में, पूरा पुलिस रपेट दिया। जब हम गए तो बोलता है पप्पू यादव जी रुकने जाइए, हमने कहा गोली है ना भीतर में, तैयारी रखिएगा, हमको रोकने के पहले आपको हमें मारना पड़ेगा। सांस रुक जाएगी तो हम रुक जाएंगे, सांस जिंदा रहेगी तो हम उसके घर तक पहुंचेंगे। और हम पहुंचे, इसलिए आप सब मेरे लिए भगवान की तरह हैं। अपने आप को चेंज करिए, आप जिम्मेदार हैं। पूरे साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि पॉलिटिकल इवेंट्स मत करिए और राजनीति ऐसे चीजों पर मत करिए, बस लड़ने की हिम्मत जुटाइए। लड़ाई जिस भी परिस्थिति में होगी, हम सगे भाई और पिता की तरह बेटे की तरह आपके साथ है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं उस सब नारा ऐसे समय में मत लगाइए प्लीज। उस बच्ची को लौटा नहीं सकता हूँ, माँ बेहोश है, दादी बेहोश है। उसको याद आता होगा बच्ची का आंख निकालना, उसको याद आता होगा बच्ची माँ माँ कर रही होगी, भैया भैया कर रहा होगा, बाप बाप कर रहा होगा, और दरिंदे उसको लूट रहे होंगे। हर 2 मिनट पर उसकी माँ बेहोश हो जाती है, इसीलिए उस दरिंदों को नरभक्षी को जीने का अब कोई राइट नहीं है, उसे समाज में ही लटका देना चाहिए था। हाथी अभी जंगल से आ जाए, बाघ आपको आपके बच्चों को मारने लगे काटने लगे, तो पुलिस को बुलाइएगा कि आप लोग सुरक्षा कीजिएगा। सुरक्षा कर, सुरक्षा तो कर क्यों नहीं लिए जी? बिल्कुल आगे वहां चली जाएगी, कुछ नहीं जाता है, आगे माँ चली जाएगी। बिल्कुल जाना चाहिए आगे माँ को, माँ बचा सकती है। यदि बाघ ले जाएगा तो माँ, बस वही बात तो मैंने कहा, बाप नहीं जाता है, भाई नहीं जाता है, माँ चली जाती है। और आप कुछ नहीं करते, कम से कम इस नरभक्षी को इस माँ के हवाले कर देते, कम से कम अपनी बेटी का न्याय तो कर लेते। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के सभी पढ़े लिखे बुजुर्गों को, प्रतिष्ठित सामाजिक लोगों को, कि आप इस घटना को, इस सुदूर चांदन इलाके में कभी मर्डर में कभी कुछ घटना में हम आते थे आंदोलन, आप इस मुद्दों को जिंदा रखे, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं, आप इस लड़ाई को हर दिन लड़िए, हम आपकी लड़ाई को न्याय में दिलाने में हर दिन आपके सोशल मीडिया पर मैं देखूंगा, हर दिन आप मुझे वाच करिए, मैं आपको वाच करूंगा, और दोनों मिलकर के इस लड़ाई को न्याय दिलाने में पीछे ना रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको। और आप बेफिक्र रहें, चूंकि यहाँ से हमको फिर मुखिया जी के यहाँ, फिर कई घटनाओं में, फिर भागलपुर के बम कांड, भागलपुर के शराब, फिर नौगछिया, और फिर बड़ी घटना घटी है पुरेनी में, वहां जाना,
इसलिए क्षमा मांगते हुए इस परिवार से, समाज के लोगों से, माँ बहनों से, ये घटना हर माँ के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, हर बहन और बेटी के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। हम सिर्फ आपके इस दुख के घड़ी में पुत्रवत खड़े ही हो सकते हैं, आपकी आवाज ही बन सकते हैं, आपकी आवाज और आपकी परछाई बनकर पटना दिल्ली तक आपकी आवाज को हम फैला सकते हैं, इसके अलावे आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। बस यही सब कह के मैं आपको प्रणाम करता हूं, माँ बहन को मैं हृदय से विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद। धीरे 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 अच्छा माँ जी, आशीर्वाद की उम्मीद करेंगे हमेशा। चलिए रास्ता छोड़िए आप लोग। अच्छा प्रणाम, मेरा स्वीकार करिए आप। प्रणाम सर, आप 3 महीना बोले हैं तो 3 ही महीना होगा। सर हम पप्पू यादव हैं, बेफिक्र रहे सर। चलिए गलियां से बाहर होइए। प्रणाम प्रणाम। अरे सेल्फी बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाइए ना आदमी आगे को। थोड़ा आगे निकलिए ना आप। जी 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 तो है वही, मतलब ये चलो। चलिए जी सर जी, हम चेयर लीजिए संगे ले। आप आगे बढ़िए, घर आ गए। भाई भाई कहना पूछे तो टिकट ऊपर उठा देना जी। प्रणाम सबको, बाबू प्रणाम। अरे अरे इस सब माहौल में इस सब का क्या जरूरत है रे केशवा? चलो फोटो ले रहा सेल्फी सब साथ। चलिए सेल्फी वाला आगे चलिए ना बाहर, कटोरिया होते जाना पड़ेगा। नेता छोड़ो भैया एकदम।